एक 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 बात बताइए, एक एक करके ले आया था तो फिर क्यों लाया, जब बंद करना तो क्यों लाया? 2000 का नोट नहीं आता ना, तो जो उस समय जो तीन महीने लगे थे ना जो लोग, वो 6 महीने लगते लाइन में, समझ में आया आपको? गणित से समझ लीजिए, गणित से समझ लीजिए, 6×4=24, 6×6=24 लाख रुपए है 2000 के नोट आपके पास। गरीब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी फर्क नहीं पड़ा। जिनके पास कालाधन मिलेगा वो पकड़े भी जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे, नेता उसको दे नहीं सकता, कहाँ से लाया रे? इसीलिए ये नेता के पास पैसे हैं, पब्लिक के पास पैसे नहीं है। देखे गड्डी, उनके लिए परेशानी है, हमारे तुम्हारी परेशानी कुछ नहीं है। इससे मार्केट का उछाल भी होता है, और जैसे सोने का भाव बढ़ा है भी, और प्रॉपर्टी भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि गरीब लोगों पे तो पैसा ही नहीं। वो जैसे किसी के पास 10 लाख है तो बाजार में 1 लाख खर्च करेगा, अभी तो खर्च ही नहीं कर रहा था, और जिसपे 1 करोड़ है तो 10 लाख खर्च करे, बाजार में चलन आ जाएगा, बाजार उठेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह से 4 आदमी मुझे खुद 2000 के नोट दे रहे हैं कि भाई सब लो, पहले देखने को नहीं मिलता था। लेकिन आज मार्केट में इतने भीड़ भड़क के थे, इतने काम धंधा चल रहे हैं 2000 के नोट के, देखा हर दुकान पे देखा हूँ तो 2000 के नोट लेके शूट खरीद रहे हैं लोग। जो मॉनेटरी होती है ना वो सर साइकिल पे वर्क करती है। आज आपके पास 2000 रुपये है, अगर आपने अपने जेब में छुपा के रख लिया, मार्केट में वो 2000 रुपये से आप कोई सामान नहीं खरीद रहे, तो गरीब के पेट में खाना नहीं जाएगा। रिक्शा इनके पास 2000 का नोट होगा ना, किसी के खुला कराने जाएंगे बोले है ही नहीं, खुला ही नहीं, जाइए वहाँ जाइए वहाँ जाइए। यार के नोटों को वापस लेने का फैसला सही है? ये गलत है, गलत है। सबसे पहली बात तो देखिए, मतलब इसमें गरीब आदमी को नुकसान है कि टाइम वेस्ट होगा, फिर से मान लीजिए लाइन लगेगा, फिर से उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और सबसे पहली बात तो 2000 का जो नोट आया था तो सारे गोदी मीडिया जो भी एंकर था बोल रहा था 20 किलोमीटर अंदर में ये चिप लगा हुआ है, और नरेंद्र मोदी का उसमें मतलब फोटो दिख रहा है। मीडिया की बात छोड़ दीजिए, सरकार ने तो कुछ नहीं कहना है इस बारे में। सरकार तो मान लीजिए मतलब एक तरह से बात क्या कर रहे हैं, वो तो कुछ भी कहेंगे फिर, वो तो कुछ भी कहेंगे सारे, वो तो मतलब उसकी सरकार के ऊपर बात कीजिए, अच्छा काम किया या नहीं किया। अच्छा काम, हमारे काम से, हमारे हिसाब से अच्छा काम लगता है आपको ऐसा? इसलिए कि मान लीजिए हम लोग तो मतलब दिहाड़ी मजदूर हैं, जैसे मतलब रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो फिर से हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लाइन में लगना पड़ेगा, और उसके लिए मतलब मान लीजिए हमको 500 रुपये रोज कमाते हैं, और एक दिन हम उसमें लग गया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तो 500 रुपये मेरा दिहाड़ी चले गया। 2000 कितने नोट है घर में आपके पास? 2000 आपके पास 2000 कितने नोट है? मेरे पास मान ली 10 नोट है। 10 नोट, हाँ। एक दिन में चेंज होंगे। एक दिन बिना फॉर्म भरे। एक बात बताइए, एक 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 बात बताइए, एक एक करके ले आया था तो फिर क्यों लाया, जब बंद करना तो क्यों लाया? अच्छा बताओ, आप एक बात बताइए कि इतने 1.25 करोड़ की आबादी को आप उनके पैसे इतनी जल्दी बदल देते? आप समझ रहे हो क्या काम हुआ था? समझ रहे हो आप? मेरी बात तो समझो, आप समझ नहीं रहे हो। अगर आपको 5,000 आदमी है मान लीजिए, अगर 5,000 आदमी आपके पास हैं, कर्मचारी हैं आपके, आप वहाँ के बॉस हैं, अब आपको नोट चेंज करके देना है तो आप 100-100 रुपये का नोट गिनते में टाइम लग के होता? अगर 2000 का नोट नहीं आता ना तो जो उस समय जो तीन महीने लगे थे ना जो लोग, वो 6 महीने लगते लाइन में, समझ में आया आपको? ये एक तरफ की आपको सुविधा दी गई थी, आपको पता है 4 महीने से कोई नोट नहीं छपा है, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, 4 साल से 2000 कोई नोट नहीं छपा है, और पहले ही बोल दिया गया था। देखिए मेरे हिसाब से मान लीजिए मतलब नुकसान है, नुकसान आपके हिसाब से मान लीजिए क्या बताया, फायदा है क्या? अब नोट बंद हो रहा था, फायदा है इसका क्या? क्या फायदा भी है कि अब जिन्होंने 2000 के नोट उन्हीं के पास होंगे। देखिए एक इसको गणित से समझ लीजिए, एक मिनट गणित से समझ लीजिए, गणित से समझ लीजिए। महीने के आप 6 लाख रुपए बिना फॉर्म भरे बिना आईडी दिए चेंज कर सकते हो, 6×4=24, 6×24=24 लाख रुपए है 2000 के नोट आपके पास, घर में है। एक बात बताइए, इस देश में कितनी मतलब ये मतलब जनसंख्या कितना है इसका? 140 है। 140 में मान लीजिए अगर सारा एक ही बंदा एक लाइन में आ जाएगा तो एक बात बताइए, भीड़ नहीं लगेगा क्या? टाइम वेस्ट होगा कि नहीं, को बताइए? होंगे किसके घर में भाई? 24 लाख रुपए, हाँ बात, 24 लाख रुपए, 24 कुछ ना कुछ, एक है दो है लेकिन सभी के पास है कुछ तो ना, एक दो तो आप कहीं भी चेंज करा सकते हो, अभी चेंज कराओ, कहाँ लाइन है? 4 महीने टाइम है, उसके बाद भी बंद पूर्णता बंद होना नहीं बोला गया है। गाइडलाइन समझे अभी आप, गाइडलाइन समझ लीजिए पहले RBI की, आपको जानकारी पूरी नहीं है, आपने सिर्फ सुना है। जब उस समय 1500 के सुनो, उस समय 1500 के 15 लाख रुपए लेके लाइन में खड़े थे तब तो अच्छा लग रहा था, अब 10 नोट लेके नहीं खड़े हो पाओगे? अरे भैया देखो, पहले भी नोटबंदी हुई थी, बहुत बढ़िया हुआ था, गरीब आदमी वो तो वही अपनी जगह पे है, गरीब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी फर्क नहीं पड़ा और अब भी फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे घर 2000 का नोट है ही नहीं भाई। हम रोज के कमाने वाले हैं, रोज के खाने वाले हैं, फर्क तो उनको पड़ेगा ना, जिन्हें लोगों ने अंदर रख रखा माल, जिन लोगों ने रखा उनको फर्क पड़ना है, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना हमारे वजह से। तो हम तो ये कह रहे हैं भैया बहुत अच्छा हुआ, ये पकड़े भी जाएंगे कि नहीं? पकड़े भी जाएंगे कि नहीं? हाँ पकड़े, क्यों नहीं पकड़े जाएंगे, जब आप निकालेंगे बड़ी बड़ी नोटें निकालेंगे, निकलेंगी
तो जाहिर सी बात है पकड़े जाएंगे। बैंक में जाके देखो, यहाँ से कुछ नहीं पकड़ा जाएगा। बैंक में कंपन ले आ रहे हैं 50। जिनके पास काला धन मिलेगा वो पकड़े भी जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ, नहीं पकड़े जाएंगे, एक पकड़े नहीं जाएंगे। नहीं 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 जाएंगे, वो तो चोर हैं। चोर खुद को जब अगर वो जाएंगे भी पहली बार तो जाएंगे ही नहीं। चोरी करने के बाद चोर कहीं पहुंचता है क्या बैंक? वो पहली बार जाएंगे ही नहीं। और अगर जाएंगे तो उनसे वो फंस जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा तुम्हारे पास आए कहाँ से, तो उनका जवाब नहीं दे पाएंगे कि हमने ये सट्टे में कमाए, कि हमने ये गरीबों से 10 लाख रुपये दे के, किसी 10 लाख रुपये ब्याज में चला के किसी को गरीब को 1000 रुपये दिए थे, उसके बदले उससे 1500 रुपये लिए, तो वो अपनी गलती थोड़ी बताएंगे। वो ऐसे नोट को फेंकेंगे, पिछले बार की तरह नदी तालाब में बहाएंगे। नहीं नहीं नहीं, या फिर कमीशन में चलाएंगे। इलेक्शन है और आम पब्लिक के पास 2000 का नोट नहीं है। ये 2000 का नोट नेता के पास मिलेंगे और नेता बांट नहीं सकता, कमजोर हो जाएगा, फिर वोट कहाँ से खरीदेगा। इसीलिए ये नोटबंदी कर दिया, 4 महीना के अंदर में 2000 का नोट बैंक में डाल दो, नहीं तो गया हो उनका पानी में हो जाएगा, बोरी में। जैसे अगले बार फेंके ना सब 1000-1000 का नोट सुने होंगे, उसी तरह का 2000 का नोट कचरे में मिलेगा। नेता उसको दे नहीं सकता, कहाँ से लाया रे। अभी देखो, अभी 2 महीना पहले नेता को बोला कितना रुपया कहाँ से, कितना फोर्स लगे थे उसको, कहाँ से लाया इतना धन। इसीलिए ये नेता के पास पैसे हैं, पब्लिक के पास पैसे नहीं है। यहाँ जितनी पब्लिक है किसी का रुपया एक नहीं निकलेगा। मोबाइल से तो 10 रुपया का ठंडा पिया, मोबाइल से काम डाउन कर दिया। 2000 का नोट नहीं मिलता किसी से बाबा, ये नेता लोग के पास है। इसीलिए अभी 4-5 महीने के बाद में इलेक्शन है, कोई पैसा बांट नहीं सकता पब्लिक को, इसीलिए ये नोटबंदी कर दिया। क्या लगता है बाबू जी, 2000 के नोट जो बंद हुए हैं कुछ फायदा होगा पब्लिक को? अरे बंद होगा फिर दूसरे बनेंगे, फिर तो दूसरे बनेंगे, बंद होगा फिर बनेंगे। होना चाहिए। तो आपकी बार 5000 का नोट, 500 का नोट भी सही है भाई, वो भी कुछ दिन चेंज कर देंगे, वही बाद में फिर बनेंगे दूसरे। फायदा क्या है फिर? फायदा तो सब चलते ये दलाल मक्कार वाले जो भरे नोट ना, उनके लिए बुरा है। हाँ, उनके लिए बुरा है, जो नोट रखे हैं गड्डी उनके लिए परेशानी है, हमारा तुम्हारी परेशानी कुछ नहीं है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले खुद चोर हैं और धन जमा कर रखा है। जो करे वो खुद चोर हैं वही है, वो नहीं चोर है। हाँ, ये गलत कह रहे हैं। जो चोर होता है ना दूसरे चोर बताता है, हाँ वो चोर नहीं है। हाँ, और जो ये परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो हमारे आपके लिए हमारे तुम्हारे के नोट है नहीं 2000 का, आज आए कल गया। और जो भाई नोट गड्ढी रखे हैं तराई लगाए के 1000 के करोड़ों अरबों रुपया, उनके लिए परेशानी है, बस परेशानी है, खाली है। और हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। हमारे क्या लगता है बाबू जी, 2000 का नोट बंद हुआ है कुछ फ़ायदा होगा पब्लिक को? क्यों नहीं होगा फ़ायदा, बहुत फ़ायदा। जो बड़े बड़े जो करेंसी जो बंद थी वो सब मार्केट में आएगी, रनिंग होगी, इससे मार्केट का उछाल भी होता है। और जैसे सोने का भाव बढ़ा है भी, और प्रॉपर्टी भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि गरीब लोगों पे तो पैसा ही नहीं। वो जो 2000 का नोट गरीब तो रखेगा नहीं, जो भी रखेगा माल जिसके पास ज़्यादा काला धन है वही रखेगा। जैसे नेता लोग हुए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए जिन्हें GST नहीं भरनी, जैसे GST चोरी हुई जो की चीज़ में, तो वही लोग रखेंगे। अब लगता है आपको बाबू जी, 2000 के नोट जो बंद हुए हैं कुछ फ़ायदा होगा पब्लिक को? 2000 नोट से पब्लिक को इतना फायदा, जो चलन में नहीं था बाजार में आएगा, किसी ना किसी को सबको फायदा होगा। जैसे किसी के पास 10 लाख है तो बाजार में 1 लाख खर्च करेगा, अभी तो खर्च ही नहीं कर रहा था। और जिस पे 1 करोड़ है तो 10 लाख खर्च करे, बाजार में चलन आ जाएगा, बाजार उठेगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं चोर पकड़े जाएंगे, लगता है आपको चोर पकड़े जाएंगे? नहीं, अगर उनके पास होगा तो पकड़े जाएंगे। आइडिया जो भी है, यानी जिन पे नोट ज़्यादा होगा वो पकड़े जाएंगे, जिन पे रखे हैं लोग वाक तो बाजार का चलन बढ़ेगा, यानी बाजार उठेगा। पर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी वाले खुद चोर हैं, जमा कर लिए पैसे अब बंद कर रहे हैं, तो उनको पकड़ो, बीजेपी वालों को पकड़वाओ ना, उन्हें पकड़वाओ बीजेपी वालों को। कांग्रेस से कहो कि बीजेपी वालों पकड़वाओ। क्या लगता है बाबू जी, 2000 के नोट जो बंद हुए कुछ फायदा होगा पब्लिक को? पब्लिक को ना फायदा होगा, नुकसान होगा। 2000 के नोट तो चलन में था नहीं, देखने को भी नहीं मिल रहा था, ठीक है।
अभी जब से अनाउंसमेंट हुआ तब से नोट आने लग गए हैं बाजार में, दिखने लग गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह से चार आदमी मुझे खुद 2000 के नोट दे रहे हैं कि भाई साहब लो, पहले देखने को नहीं मिलता था। हाँ, इसमें ये है जो नोट जो पहले दबा हुआ था लोगों ने दाब के रख लिया कि 2000 का बड़ा नोट होता है, आम पब्लिक के पास तो 500 या 100 के होते हैं, 2000 का नोट बंद किया है, तो अगर बंद भी हो जाएगा तो इससे आम जनता को कोई फर्क नहीं। इकोनॉमी को लॉस होगा, जो कॉस्ट आई थी बनाने में वो कहाँ गई फिर? कुछ लॉस नहीं होगा, उसका ऑप्शन भी तो होगा। 2000 का नोट जो चलन में ही नहीं था तो उस चीज़ को रख के सेक रहे थे आदमी, उसका फायदा। ये आरोप लगा रहा है कि 4 से 5 रुपये कॉस्ट बढ़ती है कहीं ना कहीं 2000 रुपये का नोट बनाने में, इतने नोट बने थे वो कॉस्ट जो है सो कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब से निकली थी। सुनो, विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? मोदी कुछ भी कर दे उसका विरोध ही करना है उनको, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बता दो आज तक जो जो मोदी ने किया किसी चीज़ का समर्थन किया है? नहीं किया। हर चीज़ का विरोध करना उनका काम है, विरोधी विरोध करेंगे। मोदी ने जो किया बहुत अच्छा किया, 2024 में बहुत बढ़िया मुद्दा है ये, और नोट बंद कर दिया, अच्छी बात है। 2024 में मोदी जी फिर आ रहे हैं। धन्यवाद। क्या लगता है बाबू जी? बोलिए। 2000 नोट बंद हुआ कुछ फायदा होगा पब्लिक को कि नहीं? नहीं, पब्लिक को बहुत फायदा हुआ। आज ही हमने कपड़ा मार्केट में देखा हूँ, रिटेल में, पहले पिछले शनिवार को बात कर रहा हूँ, शनिवार से कोई काम नहीं था, लेकिन आज मार्केट में इतने भीड़ भड़क के थे, इतने काम धंधा चल रहे 2000 के नोट के, देखो हर दुकान पे देखा हूँ तो 2000 के नोट लेके सूट खरीद रहे हैं लोग। हाँ जी, बाजार उठा है, आज से बढ़िया बाजार उठा भाई साहब, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। सबको बेरोजगार मिलेगा, रोजगार नहीं बेरोजगार थे रोजगार मिलेगा। आपको लगता है ये जो 2000 का नोट मार्केट में आया है सारा सारी की सारी काली कमाई है क्या? सर देखिए, जिसके पास काला कमाई है उसके तो निकलना है। और अभी में क्या करते हैं लोग कि पहले से नोटबंदी बंद हुआ तो लोग बहुत भी सतर्क हो चुके हैं कि हम काला धन इतने नहीं रखेंगे, लेकिन अभी भी बहुत है जो निकलेंगे जी, आपको पता ही लग जाएगा कितने एडी कितने छापा पड़ने वाली है। अभी 15 से 20 दिन महीने के अंदर में देख लीजिएगा भाई, गरीबों को कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा? फायदा हुआ सर, गरीब के पास पैसे नहीं तो फायदा नहीं हुआ, बहुत फायदा हुआ। गरीब के पास 2000 का नोट आएगा कहाँ से? वो आएगा अभी तो 10 गो को दिखाएगा, भाई साहब मेरे पास तो 2000 का नोट है, तो कहेगा क्या कहेगा 2000 का नोट में, 2000 ले जाएंगे बैंक में भजा लेंगे हम तो। जो मॉनेटरी होती है ना वो सर साइकिल पे वर्क करती है। आज आपके पास 2000 रुपये है, अगर आपने अपने जेब में छुपा के रख लिया, मार्केट में वो 2000 रुपये से आप कोई सामान नहीं खरीद रहे तो गरीब के पेट में खाना नहीं जाएगा। रिक्शे वाले को 10 का नोट नहीं दे रहे तो वो नहीं जाएगा। यही होता है जब इसीलिए डिमोनेटाइजेशन हुआ है, क्योंकि जो ब्लैक मनी के रूप में जो भी बड़ी करेंसी नोट है वो अमीरों ने अपने घर पर छुपा के रखा है, तो जो गरीबों के पास वो ना आपके पास आ नहीं पा रहा है। ये डिमोनेटाइजेशन के बाद जो भी है नोट चेंज होगा या कुछ भी होगा, बंदा 1,00,000 रुपये में 50,000 में 20,000 रुपये बैंक में जमा आएगा, वो लौट कर आपकी जेब में आएगा। ये कॉमन मैन के लाइफ में कुछ फर्क पड़ेगा? चेंज आएगा जी, इकोनॉमिक साइकिल पे मैं बार वही बोल रहा हूँ। जब तक सर्कुलेशन ही नहीं होगा ना अमीर से गरीब के हाथ में पैसा, या अमीर जो भी साइकिल नहीं बनेगा तब तक कोई चाहिए, बहुत बढ़िया डिसीजन है, 100% चेंज आएगा। बताइए कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया, उन्होंने एक बार भी नहीं किया? नहीं यार, कांग्रेस का मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ, इकोनॉमिक्स पर उनके पास कहने को तो 1991 में जो उन्होंने पॉलिसीज लाई, लेकिन डिमोनेटाइजेशन सबसे पहले इंदिरा गांधी जी ने सोचा हुआ था, ये सबसे पहले इंदिरा गांधी जी की थी, वो उसको लागू नहीं कर पाई, वो उनकी कायरता थी, वो बहुत बड़ी आयरन लेडी है, मैं उन्हें मानता हूँ, 1971 की वॉर की मैं हीरोइन मानता हूँ उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं थी। ये कलेजा सिर्फ मोदी के पास है कि 10 साल की राजनीति या 15 साल की राजनीति में उस बंदे ने 2 बार ये करके दिखाया, और काला धन लौट रहा है, काला धन लौटेगा। अगर काला धन नहीं लौटा होता तो ये सड़कें जो 70 साल में नहीं बन रही, इंस्टीट्यूशंस नहीं बन रहे, नेशनल यूनिवर्सिटीज नहीं चल रही, ये चल रहा है। आज ग्लोबल लीडरशिप हम कर रहे हैं, G20 हम कर रहे हैं, G20 कर रहे हैं, क्वाड में कर रहे हैं। कब हमारे प्रधानमंत्री, किस प्रधानमंत्री ने हमारे, कल प्रेसिडेंट लोग झुक के उसको सलाम करते क्योंकि उसने हर जगह कोविड में वैक्सीन पहुंचाई। आपने अगर देखा हो तो एक प्रेसिडेंट जो जना मैं उस देश का नाम भूल रहा हूं, उसने पैर पड़े हमारे मोदी के, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। हम गेस्ट हैं पाजी, हम गेस्ट हैं, हम गेस्ट रहे हैं, हम ही जो हमने जापान गए, हम होस्ट नेशन रहे हैं। G7 ने हमें पूछा, G20 हमें पूछ रहा है, आज दुनिया हमारे सामने झुक रही है, मोदी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर, बढ़िया काम। एक मिनट आप रुकिए, 2000 का नोट जो बंद हुआ है कुछ पब्लिक को फायदा होगा या नहीं होगा? बहुत फायदा होगा। कैसे? अब इन बेचारों के पास जो हमारी पब्लिक है, इनके पास 2000 का नोट होगा ना, किसी के पास खुला कराने जाएंगे बोले है ही नहीं, खुला ही नहीं, जाइए वहाँ जाइए वहाँ जाइए, या 500 का सामान खरीदिए। अब किसी का 100-200 का या 500 का होगा तो खुला हो ही जाता है वो, ऐसी को ये सब पैसा जो है निकालने का, जो 2000 के नोट निकालने का वो बात है। आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी ने खुद पैसे जमा कर लिए, अब बंद कर दिए। कहाँ जमा कर लिए? जो 2000 के नोट थे वो जमा कर लिए काले धन के रूप में, 24 में काम आएगा उनको?
नहीं नहीं आरोप लगाया जा रहा है ऐसा कुछ, ये गलत है। मोदी चलाता है, एनसीबी मोदी चलाता है, सारे जितने नेशनल का ये 70 साल से काम सही नहीं कर रहे थे, अब जब मोदी काम करने लगा तो सब गलत हो गए। सीबीआई आज की आज बनाई 2014 के बाद सीबीआई बनी है क्या? नो भाई, वही सीबीआई जिसने अमित शाह को गुजरात में जेल डाला और आज वो दूसरे नेताओं को डालती तो वो गलत करने लगी। ये वही आरसीबी, ये वही आरबीआई है, ये वही बैंक है, ये वही पॉलिसी है, ये वही मिनिस्ट्रीज हैं, पर ये गलत बात है, ये गलत है, ये दोगली राजनीति है, गलत रोज।